बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हराना कभी नामुमकिन माना जाता था, लेकिन 2019 के चुनाव ने सारे गणित को बदलकर रख दिया है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को भी इस बार मोदी लहर में हार का सामना करना पड़ा है। धर्मेंद्र यादव को बीजेपी उम्मीदवार संगमित्रा मौर्य से 18,384 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। धर्मेंद्र यादव को 4,92,898 वोट मिले, जबकि संगमित्रा मौर्य को 5,11,352 वोट मिले। यहां तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही, उसके उम्मीदवार सलीम इकबाल शेरवानी को 51,896 वोट मिले, जबकि नोटा को 8,606 वोट मिले। इस सीट पर कुल 1,08,108 वोट पड़े। धर्मेंद्र यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य ने 18,384 वोटों से शिकस्त दी। संगमित्रा मौर्य ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, वहीं धर्मेंद्र यादव से चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते हुए कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि आखिरी राउंड के मतगणना के दौरान करीब 8,000 अतिरिक्त वोटों को गिना गया है। उनका कहना है कि जवाब से संतुष्ट न होने पर वो बदायूं लोकसभा चुनाव परिणाम को कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में चली मोदी लहर में बदायूं में सपा का किला बच गया था, लेकिन इस बार चली मोदी की सुनामी में सपा का किला ध्वस्त हो गया। 1991 के बाद यहां जीत के लिए तरस रही बीजेपी ने बदायूं की सीट पर कब्जा जमा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।